तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी सही। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा वॉच टाइम को लेकर के। अगर आपके एक साल में भी वॉच टाइम पूरा नहीं हो पाया तब आप क्या कर सकते हैं। इन अनफॉर्चुनेटली अगर तभी भी नहीं एक साल में नहीं वॉच टाइम पूरा हो पाया तब आप क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बट उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं, तो अभी से आप हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियोस को देख करके अपना खुद का यूट्यूब चैनल ग्रो करवा सकते हो या नहीं कि प्रमोट करवा सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए ये वाला वीडियो देखिए और जल्दी से जाके वहाँ पे जाके उस वीडियो को पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करने के बाद प्लीज़ जल्दी से कमेंट करें। कमेंट करके सिर्फ इतना बोले से मुझे अपना मेरा यूट्यूब चैनल चेक करो, बस इतना बोल दो तो मैं आपका यूट्यूब चैनल चेक करूँगा और मुझे कंटेंट अच्छा लगा तो मैं आपके यूट्यूब चैनल को प्रमोट करूँगा, यानी कि प्रमोशन करूँगा यूट्यूब चैनल पे। तो इसी के साथ मैं वीडियोज़ को स्टार्ट करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, माई नेम इज़ ललित नैन एंड यू आर वॉचिंग टेक्नोलॉजी सही। लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स क्या वेट कर रहे हो, जल्दी से। अगर आप एक यूट्यूबर हो टेक से रिलेटेड या फिर इंटरेस्टिंग फैक्ट से रिलेटेड या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टिकटॉक के वीडियोस को भी अगर आप देखना चाहते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो इस यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल हो अगर उसको दबा दोगे तो आने वाली वीडियोस आप कभी मिस नहीं करेंगे इस यूट्यूब चैनल पे। और साथ ही साथ इस वीडियो का कॉन्टेंट अच्छा लगे तो फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता है और एक टॉपिक से रिलेटेड कमेंट कर दो, जिससे मेरे को वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। तो मैं इसी के साथ वीडियोस को स्टार्ट करता हूँ। मैं बात कर रहा था 4000 वॉच टाइम के बारे में। अगर आपके 4000 वॉच टाइम एक साल में पूरे एक साल 12 महीने में अगर कंप्लीट नहीं हो पाए तब आप क्या कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मतलब कि 12 महीने का पूरा मतलब कि एक साल का मिनिमम एक साल का पूरा टाइम मिलता है 4000 को वॉच टाइम को पूरा करने के लिए। तो मतलब कि यहाँ पे तो मतलब कि कोई बात आता ही नहीं है इससे आप अपने वॉच टाइम को पूरा नहीं कर पाओ। आपका वॉच टाइम मतलब कि कितना लंबा आपको समय मिल जाता है 4000 वॉच टाइम को पूरा करने के लिए। और अगर आप एक ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियोस बनाओगे, जैसे कि अभी मतलब कि मैं अगर आपको बोलूँ तो अभी क्रिकेट का समय चल रहा है, तो अगर आप क्रिकेट से मतलब कि रिलेटेड अगर आप कोई भी वीडियोस बनाओगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया ऐसा कुछ भी अगर आप वीडियोस बनाओगे तो ऐसे में आपका वीडियोस ट्रेंडिंग में जाने का काफ़ी ज़्यादा मौका बन जाता है और ऐसे में आपके यूट्यूब चैनल पे एक दिन में भी आपके वीडियोस ट्रेंडिंग में हो जाएगी और ऐसे में आप एक दिन में भी अपने यूट्यूब चैनल पर वॉच टाइम हासिल कर लोगे। तो फ्रेंड्स ये मतलब कि एकदम अच्छा तरीका है वॉच टाइम को पूरा करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यूट्यूब आप सभी को पूरे एक साल का मतलब कि मौका देता है से आप अपने यूट्यूब चैनल को पूरे एक साल में अपने दम से मेहनत से अपने मेहनत से पूरी तरह से ग्रो करोगे तो आपका यूट्यूब चैनल सही रास्ते पे चलेगा और हम सब विश्वास कर लेंगे से आपका यूट्यूब चैनल एकदम रियल है और आप अपने यूट्यूब चैनल पे अच्छे से कंटेंट दे रहे हो। तो इसी के लिए 4000 का वॉच टाइम यूट्यूब रखा है सभी दर्शक के लिए। जो भी यूट्यूबर्स लोग होते हैं उन सभी के लिए 4000 वॉच टाइम, सभी लोग सोचते हैं से ये वॉच टाइम पूरा नहीं हो पाएगा पर ये वॉच टाइम एकदम ईजी है। तो फ्रेंड्स तो मैं अब आपको बताता हूँ से 4000 वॉच टाइम अगर आपके पूरे एक साल में कंप्लीट नहीं हुआ तो आप क्या कर सकते हो। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा मतलब कि मैं आपको बात बताता हूँ, सुनिए फ्रेंड्स। अगर आपके 4000 वॉच टाइम पूरे नहीं होते पूरे एक साल में तो आपका यूट्यूब चैनल का क्या होगा, अगर क्या आपके यूट्यूब चैनल का पूरा सब्सक्राइबर्स रिमूव हो जाएगा या फिर आपके जो जितने भी वॉच टाइम है पूरे एक साल में जितने आपने लिया है पूरे ऑडियंस लोग से वो पूरे रिमूव हो जाएंगे, ऐसा होगा। मतलब कि आप में से कई सारे लोग ऐसा सोचते हो ये दोनों में से क्या होगा, मतलब कि पूरा वो सब्सक्राइबर्स रिमूव हो जाएगा पूरे एक साल में या फिर पूरे वॉच टाइम रिमूव हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को बताता हूँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि आज की डेट में आपने मतलब कि 20 सब्सक्राइबर्स परचेस किए एक अच्छा सा कंटेंट बना करके, तो मतलब कि जो अभी 19 चल रहा है 2019, तो अगले साल इसी डेट को इसी दिन आपके जितने मतलब कि आपने जो आज के दिन में जो 20 सब्सक्राइबर्स लिए हैं वही अगले साल उसी डेट को इसी डेट को अगले साल रिमूव हो जाएंगे, बस इतना होगा। आप में से कई सारे लोग ऐसे सोचते हो से नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा,
तो सच्ची में मैं वही बोलना चाहता हूँ, ऐसा नहीं होने वाला है इससे आपके पूरे सब्सक्राइबर्स एक साथ में रिमूव हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो ऐसा नहीं होने वाला है, सच्ची में मैं बोल रहा हूँ आपके जो मतलब कि सब्सक्राइबर्स है ऐसे नहीं रिमूव होंगे, पूरे एक साथ रिमूव नहीं होंगे, डेट बाय डेट रिमूव होंगे। जैसे कि आप आज की डेट में आपने 20 सब्सक्राइबर्स अच्छे कंटेंट से आपने परचेस किया कोई भी दर्शक लोग से, तो अगले साल इसी डेट को इसी दिन आपकी वो 20 सब्सक्राइबर्स गायब हो जाएंगे, या फिर आपने जो एक दो सब्सक्राइबर्स लिया होगा वो आपके गायब हो जाएंगे। तो इसी तरह से यूट्यूब का एल्गोरिथम काम करता है वॉच टाइम के रिमूव करने के मौके पे। और अब हम बात करते हैं इसे वॉच टाइम कैसे रिमूव होगा। तो फॉर एग्जांपल आज के दिन में, आज के डेट पे आपको अगर एक घंटे का पूरा वॉच टाइम मिला एक घंटे का, तो आज के दिन में अगले साल 2020 में आज के डेट पे आपके जो एक घंटे का जो वॉच टाइम आपको मिला है वो वॉच टाइम आपके रिमूव हो जाएंगे, वो आपको वो वॉच टाइम नहीं गिना जाएगा आपके यूट्यूब चैनल पे। वो वॉच टाइम आपको फिर से आपको अपना कंटेंट खुद का बना के फिर से लाना पड़ेगा। तो ऐसे ही यूट्यूब का एल्गोरिथम काम करता है वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स को लेकर के। तो आप में से कई सारे लोग ऐसे सोचते हो से मतलब कि ऐसे नहीं होता है, यूट्यूब का जो वॉच टाइम होता है वो एक साथ में एक साल में पूरा वॉच टाइम सब्सक्राइबर्स एक साथ में पूरा जीरो पे आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड। आप अगर सोच रहे हो ऐसा तो आप भूल जाओ, ऐसा नहीं होता है, पूरे एक साथ रिमूव नहीं होंगे वॉच टाइम, एक एक करके मतलब कि धीरे धीरे एक एक दिन में। जैसे आपने आज के दिन में सब्सक्राइबर्स लिए तो आज के दिन में जितने भी आपने सब्सक्राइबर्स लिए वही अगले साल में इसी दिन में आपके सब्सक्राइबर्स रिमूव हो जाएंगे जितने आपने आज सब्सक्राइबर्स लिए हैं। और कल जो सब्सक्राइबर्स आप लेंगे तो वो कल के दिन का जो डेट है वो 2020 में वही डेट को वो सब्सक्राइबर रिमूव हो जाएगा 2020 को। तो ऐसे यूट्यूब का एल्गोरिथम काम करता है। तो मैं आशा करता हूँ आप छोटा सा ये वीडियो है आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरे शेयर कीजिए। मैं आशा करता हूँ आपको ये थोड़ा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, और आप मैं आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल के इतना ही दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा। फिलहाल के इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, और देखते रहिए टेक्नोलॉजी से ही।